बीजेपी को बंगाल में लग सकता है झटका। दैनिक भास्कर का दावा, 33 विधायक टीएमसी में होना चाहते हैं शामिल। आइए बताते हैं पूरी खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने दावा किया था कि खेला होबे। लगता है कि ममता बनर्जी अपने इस दावे पर आगे बढ़ रही हैं। पीएम मोदी, पूरी केंद्र सरकार, दर्जन भर मुख्यमंत्री, आरएसएस की फौज को अकेले अपने दम पर परास्त करने के बाद दीदी बंगाल में भाजपा को निस्तनाबूद करने की तैयारी में है। खबरें आ रही है कि बंगाल में भाजपा के 33 विधायक टीएमसी में जाने को इच्छुक हैं। वैसे चुनावी नतीजों के बाद बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं ने सार्वजनिक रूप से पुनः दीदी के साथ जाने की इच्छा जाहिर कर दी है। अब 33 विधायकों की टीएमसी ज्वाइन करने की चर्चा ने भाजपा नेतृत्व के कान खड़े कर दिए हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पश्चिम बंगाल में जल्द ही सियासी तूफान की खबरें सार्वजनिक हो जाएंगी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा की 33 विधायक तो टीएमसी में जाने के लिए बेकरार है ही। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय भी टीएमसी में शामिल होने के लिए इच्छुक हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पुत्र शुभ्रांशु रॉय ने हाल ही में अपनी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लिया था। शुभ्रांशु ने ये पोस्ट ऐसे वक्त पर लिखा था जब बंगाल चुनाव हारने के बाद भाजपा राजनीतिक हिंसा के बहाने ममता बनर्जी पर हमलावर थी। शुभ्रांशु स्वयं बंगाल की बीजपुर सीट से भाजपा के उम्मीदवार थे, लेकिन वो चुनाव जीतने में असफल रहे और टीएमसी उम्मीदवार से हार गए। बताया जा रहा है कि भाजपा विधायकों को शामिल करने में ममता बनर्जी कोई हड़बड़ी या जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती। वो इस मामले में कोई भी फैसला पार्टी नेताओं के साथ सलाह मशवरा करने के बाद ही लेंगी। नतीजों के बाद बंगाल में दल बदल की राजनीति के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर वायरल खबर आप तक पहुंचती रहे।